नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बहस में कश्मीर का मुद्दा उठाने पर भारत ने पाकिस्तान पर साधा निशाना। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रोचिरा कंबोच ने भारत की स्थिति को दुनिया के सामने मजबूती से रखा। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा, अमशीपुरा मामले के दोषियों को अंजाम तक पहुंचाया जाना चाहिए। उनका कहना है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है, लेकिन वास्तव में उन्हें सजा मिलनी चाहिए। घाटी भर के कई युवा उम्मीदवारों ने एपटेक के विरोध कॉलोनी में किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से ब्लैक लिस्टेड एजेंसी के माध्यम से सरकारी नौकरी की परीक्षा न कराने की मांग की। जेके एसएसबी के उम्मीदवारों ने जम्मू प्रेस क्लब के बाहर किया प्रदर्शन। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे उम्मीदवारों पर किया लाठीचार्ज। कई प्रदर्शनकारियों को लिया हिरासत में। उमर अब्दुल्ला ने प्रत्याशियों पर लाठीचार्ज की निंदा। बिजौनी स्पोर्ट्स स्टेडियम में क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन। अतिरिक्त उपायुक्त तरल शब्बीर अहमद रैना ने किया कार्यक्रम। टूर्नामेंट में घाटी के साथ टीमें ले रही हैं हिस्सा। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इसमें छात्रों, विद्वानों और फैकल्टी के लोगों ने लिया हिस्सा। एनसी की प्रवक्ता तनवीर सादिक ने प्रदर्शनकारी उम्मीदवारों पर लाठीचार्ज की निंदा और एपटेक से भर्ती अनुबंध वापस लेने की मांग। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी एसएसबी उम्मीदवारों पर पुलिस लाठीचार्ज की निंदा। मुफ्ती ने कहा, इस मामले में शामिल अधिकारियों के खिलाफ की जाए सख्त कार्रवाई। उन्होंने कहा, सरकार लोगों को रोजगार से वंचित करने के लिए हर कदम उठा रही है। एपटेक एजेंसी को सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करने का ठेका दिया गया। अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी ने इस मुद्दे को लेकर सरकार की निंदा की। उन्होंने एलजी से ठेका रद्द करने और जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने पार्टी के स्थापना दिवस पर एक रैली को संबोधित किया। बुखारी इस अवसर पर क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को निशाना बनाने से भी नहीं चूके। उन्होंने पूछा, क्या इन दलों ने जमीन और नौकरियों का मुद्दा उठाया कभी? उन्होंने महबूबा मुफ्ती पर दिखावे का आरोप लगाया। गुलाम हसन मीर ने गोल्फ कोर्स और अन्य संसाधनों के निजीकरण की राज्यपाल प्रशासन की पहल की आलोचना की। गुलाम हसन मीर ने कहा, यहाँ के सभी संसाधन यहाँ के लोगों के हित के लिए हैं। मीर ने आगे कहा, सरकार ने ऐसी नीति अपनाई जो यहाँ के युवाओं की नौकरियां छीन रही है। अमृतपाल के आदमियों को रामबन से शस्त्र लाइसेंस जारी किया गया था। पंजाब में अमृतपाल वीरेंद्र सिंह के साथ हथियार रखने वालों के बंदूक के लाइसेंस रामबन जिले के हैं। जिला प्रशासन और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। श्रीनगर के बेमना में चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के गेट पर हादसा। वाहन की चपेट में आने से दो लोगों की मौत। यहां से गुजरने वाला नेशनल हाईवे सड़क हादसों के लिए बदनाम। समाज कल्याण निदेशालय ने जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं के लाभ के लिए केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं को उजागर करना था। विभाग के अधिकारियों ने कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी और महिलाओं से इन योजनाओं का लाभ उठाने की कहा। डिग्री कॉलेज बेमना में भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन। व्हाइट ग्लोब और कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन के सहयोग से डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी श्रीनगर ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की सचिव फौजिया पॉल रही। जम्मू के रिजेंसी रोड में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ह्यूमन वेलफेयर एम्प्लॉय सोसाइटी द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन। इस मौके पर विभिन्न विभागों की महिला अधिकारियों ने लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हर कदम उठा रही है। समाज कल्याण विभाग की आयुक्त सचिव शीतल नंदास ने न्यूज 18 से खास बात में कहा, घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं विभाग को इसकी सूचना तुरंत दें ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके।
अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर बास्केटबॉल खिलाड़ी इशरत अख्तर ने कहा, चुनौतियों और मुश्किलों के बावजूद लड़कियों को आगे आकर इन चुनौतियों का सामना करना चाहिए ताकि वो किसी भी क्षेत्र में अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सके। इशरत ने जम्मू कश्मीर की पहली महिला व्हीलचेयर बास्केटबॉल खिलाड़ी के रूप में शानदार मिसाल कायम की है। बानीपुरा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बशीर अहमद खान का कहना, 13 मार्च को राष्ट्रीय डी वार्मिंग दिवस के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले भर के 1,26,000 बच्चों को डी वार्मिंग दवा दी जाएगी। किश्तवाड़ जिले में एक सड़क हादसे में 6 लोग घायल हो गए। बस और इको वाहन के बीच टक्कर हुई जिसमें 2 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को जीएमसी डोडा और दूसरे को जीएमसी जम्मू रेफर किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर असाधारण सेवा प्रदान करने वाली और अनंतनाग में दूसरों के लिए एक मिसाल कायम करने वाली महिलाओं ने वृक्षारोपण में भाग लिया। इस अवसर पर डीसी अनंतनाग डॉक्टर बशारत कयूम सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। गुरेज सेक्टर के बख्तूर इलाके में सेना ने स्थानीय बच्चों के साथ होली खेली। राणा पोस्ट पर जश्न के दौरान सेना ने बच्चों के बीच उपहार और मिठाइयां बांटी। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने सेना को होली की बधाई दी। अपने घर और अपनों से दूर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों ने अपने साथी जवानों के साथ श्रीनगर और अन्य जिलों के विभिन्न कैंपों में रंगों का त्यौहार मनाए। जवानों ने कहा, हालांकि उन्हें अपने परिवार के सदस्यों की कमी खलती है लेकिन अपने देश की सेवा करना उनका पहला कर्तव्य। बांडीपुरा जिले के शहतलपुरा सोनवारी में धार्मिक सम्मेलन का आयोजन। ये कार्यक्रम इमाम मेहदी के जन्मदिन के तहत आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के यहां होली के जश्न में अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स भी मौजूद रही। देश के विदेश मंत्री, खेल मंत्री समेत कई गणमान्य व्यक्ति भी इस मौके पर मौजूद रहे। दरअसल वाणिज्य मंत्री जीना रेमंडो को बतौर गेस्ट इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। गांदरबल जिले में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांदरबल में महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसकी मेजबानी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, लिबर्टीज एंड सोशल जस्टिस ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांदरबल के सहयोग से की। वायन कुपवाड़ा में IRPF की चौथी बटालियन की ओर से साइबर क्राइम को लेकर जागरूकता शिविर का आयोजन। कमांडिंग ऑफिसर शौकत अहमद ने एक्सपर्ट्स और ऑफिसर्स मौजूदगी में शिविर का उद्घाटन किया। इस मौके पर एक्सपर्ट्स ने अधिकारियों और युवाओं को खास तौर पर साइबर क्राइम के ताल्लुक से जानकारी दी। अपनी पार्टी की ओर से टाउन हॉल पामपोर में तीसरा स्थापना दिवस। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता अल्ताफ अहमद मीर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा, अगर अपनी पार्टी सरकार में आती है तो वो जम्मू कश्मीर के लोगों के कल्याण के लिए काम करेंगे। टाउन हॉल कुंजर में अपनी पार्टी का स्थापना दिवस। इस कार्यक्रम में पार्टी के उपाध्यक्ष गुलाम हसन मीर और अन्य नेताओं ने शिरकत की। गुलाम हसन मीर ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि यहाँ राज्यपाल भूमिका खत्म कर दी जानी चाहिए, जल्द चुनाव कराने चाहिए। बहार के आगमन के साथ पुलवामा के साथ साथ कश्मीर घाटी के अन्य हिस्सों में बागवानी गतिविधियां शुरू। मौसम में बहार के आने से पहले बादाम के पेड़ों पर शगुफे खिल जाते हैं, इसलिए पुलवामा में बागवानी गतिविधियां सबसे पहले बादाम के बागों से ही शुरू होती हैं। जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी के महासचिव रफी अहमद मीर ने कहा, प्रशासनिक मामले किसी भी हालत में लोकतांत्रिक शासन का विकल्प नहीं, जबकि सरकार को जम्मू कश्मीर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए वर्तमान में लगाए जा रहे टैक्सेस को वापस लेना चाहिए। रफी मीर ने पहलगाम इलाके में पार्टी के स्थापना दिवस पर एक जनसभा को संबोधित करने पर यह बात कही। आरएसपुरा के टाने कला गांव में 10 साल से बंद पड़ी पानी की ट्यूब का काम बुधवार को शुरू किया गया। काम शुरू हुआ तो लोगों ने न्यूज 18 का शुक्रिया अदा किया। दरअसल न्यूज 18 ने इस खबर को प्राथमिकता के आधार पर चलाया था जिसके बाद संबंधित विभाग की नींद खुली।
जिला पुलिस लाइन उधमपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस जिला उधमपुर समाज कल्याण विभाग एवं महिला विशेषज्ञ सेल द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें DIG उधमपुर निदेशक रेंज सुलेमान चौधरी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। गुरेज के बख्तूर इलाके में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सेना द्वारा महिलाओं के लिए कंप्यूटर केंद्र का उद्घाटन किया गया। बड़ी संख्या में छात्राओं की उपस्थिति में सेना के कमांडिंग ऑफिसर ने केंद्र का उद्घाटन किया। इसके अलावा सेना ने महिला दिवस को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में छात्राओं के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सेना की 109वीं ब्रिगेड ने सेना की 836 यूनिट के सहयोग से कुंजल वन में कौशल विकास कार्यक्रम का आयोजन किया। हीलिंग टच फाउंडेशन के सहयोग से कुंजल वन गांव में डिटर्जेंट बनाने की क्लासेस का यहां उद्घाटन किया गया। विमेंस डे के मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता निशा कुमारी की अध्यक्षता में RSपुरा क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस बीच जहां गांव की महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी दी गई, वहीं समाज सेवी निशा कुमारी की अध्यक्षता में महिलाओं को बधाई दी गई, जरूरी साजो सामान उनमें तकसीम किए गए। लद्दाख ऑल इंडिया रेडियो करगिल ने MP स्टूडियो आकाशवाणी में इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया। एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। BDC सैयदा बानो और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नसरीन फातिमा इस मौके पर मुख्य अतिथि रही। डॉक्टर नसरीन फातिमा ने कहा, करगिल में समाज ने हमेशा लड़कियों का समर्थन किया है। महिलाओं के लिए एक बेहतर दुनिया का मतलब सभी के लिए एक बेहतर दुनिया, इस टाइटल के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग और DLSA द्वारा कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। PG कॉलेज भदरवा में आयोजित जागरूकता शिविर कार्यक्रम की अध्यक्षता सचिव DLSA मुदस्सिर फारूक की, जिसमें PG कॉलेज भदरवा के छात्र एवं शिक्षक, समाज कल्याण विभाग की महिलाएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और अन्य विभागों की महिलाएं शामिल रही। बारामूला में इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर ऑल ओवर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन। इस मौके पर सेना, नागरिक प्रशासन, महाविद्यालय एवं विद्यालयों के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। विभिन्न संगठनों की 6 महिलाओं ने बाल विवाह, लैंगिक भेदभाव और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के बारे में बात की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर स्थानीय आबादी का समर्थन करने और की प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय सेना ने पटन में एक रैली का आयोजन किया। इसमें लड़कियों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। रैली में पंचायत प्रतिनिधियों और शिक्षकों ने भी हिस्सा लिया। अपनी पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर मोहम्मद अशरफ मीर ने श्रीनगर में एक मेगा रैली का इनेकाद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, NC और PDP जैसे राजनीतिक दल केवल दुर्भावनापूर्ण ट्वीट पोस्ट कर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर डोडा में भी एक खास कार्यक्रम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने पार्टी का झंडा फहराया। बाद में स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी मुख्यालय डोडा में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एक कन्वेंशन मीटिंग का इनेकाद। अपनी पार्टी ने RSपुरा और सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अपना स्थापना दिवस मनाया। जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी के नेता एडवोकेट हरप्रीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपनी पार्टी के नेता और संयुक्त सचिव अब्दुल रहीम वानी के नेतृत्व में लोलाब कुपवाड़ा में एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर में तुरंत चुनाव कराने की मांग की। इन्होंने सरकार से मांग कि कश्मीर में स्मार्ट बिजली मीटर न लगाया जाए। खबर मेंढर से, जहां अपनी पार्टी का स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर अपनी पार्टी की युवा शाखा के प्रदेश उपाध्यक्ष रफीक अहमद खान ने जम्मू कश्मीर में राज्य की बहाली सहित विभिन्न मुद्दों को उठाया। विधानसभा चुनाव जल्द कराने की यह मांग की गई। वहीं अनंतनाग में जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी के अतिरिक्त महासचिव हिलाल अहमद शाह ने कहा, जम्मू कश्मीर में जमीन और नौकरी में आरक्षण पर उनकी पार्टी का रुख साफ है। महिला सशक्तिकरण भी पार्टी की प्राथमिकता में है। अनंतनाग में पार्टी के स्थापना दिवस की बैठक को संबोधित करने के बाद हिलाल शाह ने कहा, उनकी पार्टी झूठ की राजनीति में यकीन नहीं रखती।
पार्टी के स्थापना दिवस को लेकर अपनी पार्टी की ओर से कुपवाड़ा में एक दिवसीय अधिवेशन का आयोजन। इस मौके पर पार्टी के नेता मोहम्मद अमीन भट्ट ने पार्टी कार्यकर्ताओं को जमीनी सतह पर काम करके पार्टी को मजबूत करने के लिए कहा और ये भी कहा कि आने वाले वक्तों में जम्मू कश्मीर में पार्टी अपने दम पर सरकार बना सकती है। शबे बारात के मौके पर दुनिया भर की तरह द्रास में भी खास प्रोग्राम का आयोजन। रात भर हजारों की तादाद में लोग मस्जिद गौसिया द्रास में जमा रहे। प्रोग्राम की अध्यक्षता मौलाना अल्ताफ हुसैन ने की। इस मौके पर उन्होंने मुल्क की सलामती के लिए खास तौर पर दुआएं मांगी। पुंछ में जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा नगर कीर्तन निकाला गया। होली के दूसरे दिन शहर में जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पुंछ द्वारा नगर कीर्तन का आयोजन, जिसमें बड़ी संख्या में सिख संगत के साथ अन्य समुदाय के लोग भी शामिल रहे। जम्मू में 8 दिवसीय तजम्मुल मेमोरियल T20 टूर्नामेंट के दूसरे दिन जिला स्तरीय टूर्नामेंट में क्रिकेट फैंस की जबरदस्त साथ देखने को मिला। टूर्नामेंट में यूटी जम्मू कश्मीर के 8 जिलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। अनंतनाग, कुपवाड़ा, बारामूला और श्रीनगर जिलों से खिलाड़ी यहां पहुंचे हैं। साथ ही रामबन, उधमपुर, किश्तवाड़ और जम्मू के खिलाड़ी भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। उधमपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन खजूरिया ने पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने विस्थापितों की कॉलोनियों को नियमित करने के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एलजी मनोज सिन्हा का धन्यवाद अदा किया और कहा कि पीओजेके के विस्थापित परिवारों ने बहुत कुछ झेला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी पीड़ा को समझा और उनकी वित्तीय सहायता की व्यवस्था की। कुछ और अहम कौमी खबरें। देश में रंगों के त्योहार का देखा गया जश्न। राजनेताओं ने भी खूब मनाई होली। राजनाथ सिंह का डांस हो रहा है मकबूल। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने भी खूब खेली होली। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी होली की शुभकामनाएं। ट्वीट पर लिखा, मैं आज के रंगों के त्योहार पर प्यार, हंसी, अच्छाई और बसंत के आगमन का जश्न मनाने वालों को शुभकामनाएं देता हूं। वहीं 4 दिवसीय भारत दौरे पर पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथोनी अल्बनीस। अहमदाबाद में गुजरात के सीएम ने किया उनका स्वागत। साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। तिहाड़ जेल में सिसोदिया सुरक्षा को लेकर सियासत, आपका बीजेपी पर आरोप। सिसोदिया को तिहाड़ में मारने की साजिश, बीजेपी का पलटवार। सिसोदिया के खिलाफ साजिश रच रहे हैं खुद केजरीवाल। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में ईडी ने की के कविता को सम्मन भेजा। पूछताछ के लिए दिल्ली पहुंची के कविता। के कविता ने सम्मन को बताया धमकाने की रणनीति। दिल्ली में होली के दिन एक बड़ा अफसोसनाक हादसा, भरभराकर गिरी एक इमारत। 3 मंजिला इमारत मलबे में हो गई तब्दील। कैमरे में कैद हुई तस्वीर। दुनिया के सामने फिर बेआबरू हुआ पाकिस्तान। पाक ने जब अलापा कश्मीर का राग तो भारत ने विश्व बिरादरी के सामने सुनाई खरी खरी। कहा, ऐसे दुष्प्रचार का जवाब देना तक मुनासिब नहीं। खबर त्रिपुरा से, जहां माणिक साहा दूसरी बार बने हैं त्रिपुरा के सीएम। अगरतला के विवेकानंद मैदान में ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। समारोह में पीएम मोदी और अमित शाह भी रहे मौजूद। तेलंगाना सरकार द्वारा भारत के पहले और एकमात्र राज्य के नेतृत्व वाले इंक्यूबेटर वी हब ने इंटरनेशनल वीमेंस डे पर अपनी 5वीं वर्षगांठ मनाई। ये कार्यक्रम ताज कृष्णा में आयोजित किया गया। इसमें अन्य मेहमानों के साथ तेलंगाना के आईटी मंत्री केटी रामाराव भी मौजूद रहे। खबर हिमाचल से, जहां सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पालमपुर के दौरे पर। इस दौरे में उन्होंने यहां कल्याणी भरमात लिंक रोड का शिलान्यास किया। इसके अलावा पालमपुर के दौरे में सीएम ने आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर से भी मुलाकात की। पालमपुर में बनने वाले ट्यूलिप गार्डन का भी सीएम ने दौरा किया। पालमपुर के दौरे पर गए सीएम ने डी नोटिफिकेशन के मुद्दे पर बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी बेवजह विरोध प्रदर्शन कर रही है। जहां जरूरत होगी वहीं संस्थान खोले जाएंगे।
और कांगड़ा की अनदेखी के सवाल पर सीएम सुक्खू ने कहा वो खुद कांगड़ा के हैं, यहाँ इस मुद्दे को लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए, यहाँ आदमी का नहीं इलाकों का विकास होगा। रिमेंस डे के मौके पर ऊना के लता मंगेशकर कला केंद्र समूर कला में समारोह का आयोजन। समारोह में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत, डिप्टी सीएम की धर्मपत्नी डॉक्टर सिम्मी अग्निहोत्री भी रही मौजूद। कार्यक्रम के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की और सबका दिल मोह लिया। पूरे हिमाचल में होली के त्यौहार की धूम, सीएम सुक्खू भी इसमें सराबोर नजर आए। उन्होंने पीटरहाफ में अपने समर्थकों के साथ मनाई होली। इस दौरान समर्थकों ने नाटी डालकर सीएम का किया स्वागत, डीजे की धुनों पर सभी लोग जमकर थिरके। पीटरहाफ में सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर भी होली उत्सव में मौजूद रही। कमलेश ठाकुर ने प्रदेशवासियों को होली के साथ साथ महिला दिवस की भी दी शुभकामनाएं। वही होली के मौके पर राजभवन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। मुख्यमंत्री सुखेंद्र सिंह सुक्खू ने राजभवन जाकर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को तिलक लगाकर दी होली की बधाई शुभकामनाएं। लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल ने भी होली कार्यक्रम में लिया हिस्सा। होली के मौके पर राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद रहे। यहाँ मुख्यमंत्री सुखेंद्र सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक दूसरे को तिलक लगाकर होली की बधाई दी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री और भाजपा नेताओं ने राजभवन में एक दूसरे को दी होली की बधाई। शिमला में होली की धूम, लोगों ने एक दूसरे को लगाया जमकर रंग और गुलाल। होली को लेकर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के कैंपस में उत्सव का खास माहौल। यहाँ छात्र छात्राएं डीजे की धुन पर जमकर थिरकते नजर आए। कांगड़ा के पालमपुर में इन दिनों राज्य स्तरीय होली पर्व की खूब धूम। तीसरी सांस्कृतिक संध्या में बतौर मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने शिरकत की। यहाँ उन्होंने कहा पालमपुर में सिवरेज व्यवस्था पर सरकार की ओर से 135 करोड़ रूपए का प्रावधान किया जाएगा ताकि आपका शहर और भी सुंदर और स्वच्छ बन सके। नाहन में शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप, स्थानीय कांग्रेस विधायक सोलंकी, पूर्व विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने भी आम जनता के साथ मनाई होली। भाजपा नेता जहां रानी झांसी पार्क में एकत्रित हुए, वहीं विधायक अजय सोलंकी ने अपने घर पर लोगों के साथ मनाई होली। नूरपुर के ऐतिहासिक श्री भोजराज स्वामी मंदिर में होली उत्सव की धूम। इस मौके पर मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और मीराबाई संग फूलों की खेली होली। इस मौके पर एसडीएम गुरसिमर सिंह, एसपी अशोक रत्न, एएसपी मदन कांत, पूर्व विधायक अजय महाजन समेत कई गणमान्य व्यक्ति रहे मौजूद। कुल्लू में तीसरे दिन भी होली की धूम, ऐतिहासिक प्रदर्शनी मैदान में होली उत्सव का आयोजन। हजारों लोगों ने होली पर डीजे की धुन पर जमकर की मस्ती। वहीं भगवान रघुनाथ की नगरी कुल्लू में होली की धूम, ढोल नगाड़ों के साथ लोगों ने टोलियों में मनाई जमकर होली। एक दूसरे को लगाया रंग गुलाल अबीर, होली में लोग जगह जगह डीजे की धुन पर थिरकते नजर आए। धार्मिक नगरी रघुनाथपुर और हरिपुर में होलिका दहन की प्राचीन परंपरा का विधिवत निर्वहन किया गया। भगवान रघुनाथ अपने मंदिर से लाव लश्कर के साथ रूपी पैलेस मैदान में पहुंचे, जहां मुख्य छड़ी बरदार महेश्वर सिंह और रघुनाथ के सेवकों ने फाग की विधिपूर्वक पूजा अर्चना की। किन्नौर के सांगला में लोगों ने जमकर खेली होली। सांगला में 3 दिनों तक होली का त्यौहार। इस मौके पर ग्रामीण पारंपरिक वाद्य यंत्र की थाप पर जमकर करते नजर आए, गुलाल उड़ाते नजर आए। मनाली में भी होली की धूम, यहाँ की होली में प्राचीन परंपरा की झलक। बताते मनाली सहित कुल्लू की होली भी अपने आप में अनूठी। यहाँ पर देशभर की होली से एक दिन पहले होली मनाने की परंपरा, इसका आयोजन एक दो दिन नहीं बल्कि 40 दिन तक जारी रहता है। बिलासपुर के नव नियुक्त एसपी डॉक्टर कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन ने लखनपुर स्थित पुलिस लाइन में पुलिस जवानों के साथ मनाई होली और इस दौरान उन्होंने डीजे की धुन पर पुलिस जवानों के साथ खूब मस्ती भी की। होली के मौके पर एसपी डॉक्टर कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन ने लोगों को अपनी शुभकामनाएं दी।
धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।